कर लोगे। तो जनरेटर ऐसा डिवाइस क्लास जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर भी। देख लीजिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बड़ी इन्वेंशंस एसी बनाने के लिए, ठीक है। डीसी तो बन जाती है बाई केमिकल एनर्जी, समझ में आया। एसी की प्रॉब्लम थी, हो जाएगा भाई। ये था इसका डेफिनेशन। से दो तीन एसी डीसी हम करवाएंगे नहीं, क्योंकि हमको एसी करना है। कर लोगे, डिफरेंस बता देंगे डिफरेंस क्या है। देखो, पांच का बनाना पड़ता है क्वेश्चन भी। पांच में पहला डेफिनेशन होता है, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड कंस्ट्रक्शन, फोर्थ वर्किंग, फिफ्थ उसका यूज भी, सिक्स पॉइंट भी होता है ड्रॉबैक्स भी। हम यूज़ करते नहीं उस पॉइंट को, बहुत कम यूज़ करते हैं। तब जाके आपको पांच नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसी स्टाइल में कराएंगे। पहला डेफिनेशन हो गया, सेकेंड देखिए प्रिंसिपल भी। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर भी। इसको पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा तो करंट बनेगा भी। देख लीजिए, लिखो, इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे यूनिट का नाम यही है, यूनिट नंबर 4, नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। जरूरत नहीं लिखने की, लिख भी सकते हो। क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको भाई। ऐसा फिनोमिना है जिससे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक्स। ये इस नोट में यही किया हम लोगों ने। नेक्स्ट डालिए कंस्ट्रक्शन भी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। अब देखो भाई, कंस्ट्रक्शन आपको समझ नहीं होती है क्योंकि हमारे पास कोई 3D पिक्चर नहीं है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, क्या होना चाहिए। अब देखिए, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है अभी, तो मैग्नेट होनी चाहिए। यस सर, नो? तो मेरे पास एक मैग्नेट है अभी, एक नहीं दो, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, दूसरी मैग्नेट का ये साउथ पोल है अभी। ओके, और इसके अंदर एक क्वाइल है अभी, रेक्टेंगुलर क्वाइल्स, जिसको आर्मेचर क्वाइल ही बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर क्वाइल। इट इज ABCD भी। आपको किसी को डायग्राम नहीं बनाना अभी, किसी को नहीं बनाना, तो मेरे पूरे जाना बनाना अभी, ठीक है। एक पेज देना, छोटी कॉपी किसी पास, रजिस्टर ये रहा, रजिस्टर से एक कॉपी दे दो छोटी कोई हो तो, इस तरह की कोई कॉपी है। देख लिए भाई, एक आर्मेचर क्वाइल है। क्वाइल देखो कैसी होगी, अलग अलग शेप की हो सकती है। जो पहली बार बनाया गया था फ्रेम टाइप का था अभी। फोटो फ्रेम देखिए, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम में खाली होती है फ्रेम सिर्फ, देखा होगा ना। इस फ्रेम पे कॉपर वायर वाउंड की गई होती है ऐसे, समझ में आया। क्योंकि अब तो बहुत कुछ डिजाइन हो चुके हैं जनरेटर के, जो पहली बार बनाया गया था इट इज ए फोटो फ्रेम भी, उस पर क्या किए थे, कॉपर वायर वाउंड किए थे अभी, ठीक है। अब इस क्वाइल में से दो रोड निकाल रखी थी ऐसे, साइड में कॉपर वाइंड दिया से, किस कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर भी, इंसुलेशन किया था कॉपर वायर के ऊपर, कर लोगे। और यहाँ से दो ऐसे रोड निकाली हुई थी, ये नहीं कर लोगे। अब ये रोड किससे अटैच थे भी, मेरे को दो कड़े दो भी, कड़े पहने दो पहन दो, देना भी छोटी ये ले ले, दे दो ये। दो कड़े हैं, इनको दो पेन और दो, ये इट इज, एक और दो भाई, ठीक है। ये जो रोड ये हैं अभी, ऐसे रोड लगी हुई हैं, इन्होंने क्या किया, इन रोड्स को अटैच किया विद स्लिप रिंग्स, मेटेलिक रिंग्स थी भी, उनसे अटैच कर दिया। वैसे अच्छे से फिक्स किया इसको, बिल्कुल ये हिले ना भी, मतलब इसे वेल्ड के रखे, सीधी सी बात ये। एक रिंग इससे वेल्ड की हुई है कोयल के साथ, दूसरी जो है ना
वो क्वाइल से अंदर से पास की हुई है ऐसे, इसके अंदर से, ये कैसी है, इसके अंदर से ऐसे टच नहीं करी इसको, दूसरी से अटैच किया गया उसको इस तरीके से, ये अरेंजमेंट है। इनको बोला गया स्लिप रिंग्स भी, ठीक है, टच नहीं कर रही हैं इसको, हम डायग्राम दिखा नहीं सकते इस तरह की चीज़ों को हम लोग, ऐसे भी जब ये ऊपर वाला सिस्टम घूमेगा तो ये भी घूमते हैं ऐसे भी साथ में, क्योंकि फिक्स किए गए, अगर ये कैसे घूमेगी तो ये भी घूमेगी, कर लोगे। तो इस डायग्राम में क्या था, देखो भाई पेन ले लो, एक इस रोड को अटैच किया गया एक स्लिप रिंग के साथ में, ठीक है, दूसरे को अटैच किया गया दूसरी रिंग के साथ में, ऐसे दिखा रहा हूँ इसको कि टच नहीं कर रही भी, इसके अंदर से पास की गई है, ये अटैच किए गए हैं सेकंड रिंग के साथ में, समझ में आया, इसको रिंग आर वन बोला गया, इसको रिंग आर टू बोला गया अभी, ओके okay? अब ये जो कड़े हैं ये क्या कर रहे थे, ये आगे अभी इसको घुमाएंगे तो वर्किंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये रिंग है ना ये फिक्स है अभी ब्रशेज के ऊपर, ब्रशेज क्या होते हैं, यही ब्रश अभी एज इट इज यही होता है, ये बुर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली मेटेलिक बुर होते हैं अभी कार्बन के भी, ग्रेफाइट्स के बने हुए, ये इस पर स्लाइड करती है ऐसे, समझ में आया, इससे फिक्स नहीं है, क्या करती है इस पर स्लाइड करती है ऐसे, जो घूमता ना इस पर घूमती है, तो कनेक्शन बना रहता है इसके साथ इसका, कर लोगे, आपने सुना होगा कूलर आवाज़ करता है तो मुझसे बोलता है बूस खत्म हो गए होंगे इसके भी, बूस नहीं है ब्रशेज होते हैं भी, और मोटर भी सेम काम करती है ऐसे ही, कर लोगे। अब ये जो रिंग है ना ये रिंग फिक्स्ड है भी किसके ऊपर, मेटेलिक ब्रशेज हैं भी, ब्रश बोलिए ब्रश बोलिए कार्बन ब्रशेज हैं भी, इनसे अटैच किए गए हैं अभी, मतलब इन पर स्लाइड करती है अभी, ये बी वन, ये कौन सा बी टू, और यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट भी, थ्रो ए रेजिस्टेंस, यहाँ बल्ब लगा दो, कर लोगे। ये है भाई आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स, समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इस कॉयल को घुमाना होता है, ये बाहर से कौन करता है, ये तो हाथ से करो या बाहर जो अपने इंजन लगा रखा हो करता है काम, जब ये घूमेगा ना इसका एरिया चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा इसके अंदर, यस और नो, और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो हमसे क्या मिलेगी, मेरे को यहाँ से आउटपुट मिलेगी। देखो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होगी भी, समझ में आया। अब ये कॉपी था, ये फेस ए बी सी डी ऐसे, अभी ए बी सी डी ऐसे ही ना, अभी घूम तो रहा है अभी, क्लॉक या एंटी क्लॉक मर्जी आपकी कैसे भी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, इसके मामले से ऐसे घुमा रहे हम लोग, आफ्टर हाफ रोटेशन ये ऐसा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी जो फेस ए बी था वो अभी यहाँ पे चला गया, अभी इस तरफ आ गया, तो जो ये रोड लगी थी ये भी इस तरफ चली जाएगी, यस और नो। तो सेकंड डायग्राम कैसा बनेगा, आफ्टर हाफ रोटेशन भी क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए बी, यहाँ पे सी डी, समझ में आई बात, साथ में रिंग भी घूम रही हैं, कभी वन पे कौन टच हो जाएगा, बी टू, ऐसा कुछ नहीं होना, ये डीसी में होता है, बताऊंगा डीसी में इसमें फ़र्क क्या है, कर लोगे। ये रिंग तो ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है सी ऊपर, समझ में आ रहा है, चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे, मेरा हाथ ये रोड पे पकड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बी वन या बी टू जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अब ये अरेंजमेंट हुआ अभी, देखो ये वाला सेक्शन जो था ये यहाँ पे आ गया, सही है, और ये वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी इसके ऊपर रिंग आर वन अटैच थी पहले से, अभी भी आर वन अटैच है, अभी भी आर वन ही है, ये कौन सी है आर वन, ये किसके साथ अटैच है, बी वन के साथ, और ये टच नहीं कर रहा विद रिंग आर टू, अटैच है किससे, बी टू के साथ, और यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ, फर्क समझ में आया, यस सर ना,
पहन देना भाई। इसमें देखिए ये है अरेंजमेंट्स, ये पार्ट पहले यहाँ पे था भाई, ये पार्ट यहाँ पे था, अब ये घूम के यहाँ पे चला गया, अभी भी टच नहीं कर रहा। यस सर ना, ये रोड इसके अंदर से पास हुई है फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये दो कंडीशन करनी है आपको, किसके लिए, फर्स्ट हाफ रोटेशंस सॉरी नेक्स्ट हाफ रोटेशंस, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन चेंज करेगा भी, कैसे करेगा बताएंगे आपको, अभी डायग्राम बना हुआ है। लिखिए भी कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट लिखिए आर्मेचर भी, फर्स्ट पॉइंट आर्मेचर, यस भी पहला पॉइंट डालिए कंस्ट्रक्शन का आर्मेचर क्वाइल भी, ये आर्मेचर लिखते हैं सिंपल इसको आर्मेचर। लिखो क्या होता है, इट इज ए रेक्टेंगुलर क्वाइल, इट इज ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड भी, ऑन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड। ओके इसी में लिख दो हैविंग टू एंड्स, ENDS हैविंग टू एंड्स, इनको बोला गया अभी ये रोड निकले भी हो जाएगा अभी। सेकेंड पॉइंट डालिएगा, सेकेंड पॉइंट है आपस में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट भी करंट घूमता हुआ है, डायरेक्ट करंट ना है सीधा, ठीक है, जितना होगा उतना ही फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट डालिए मैग्नेटिक फील्ड भी, सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी यूज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आजकल के जनरेटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, उसी का करंट यूज करके उसी में मैग्नेट बनाते हैं, कर लोगे वैसे डायरेक्ट भी हमारे पास मैग्नेट होती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, पहले वाली बात कर रहे हैं आपको, कर लोगे भाई। थर्ड पॉइंट डालिए, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो पैरे में लिखवाऊँ, एक सिंपल लिखवाएँ, एक एक पॉइंट के साथ में। थर्ड है भाई स्लिप रिंग, लिखो R1 and R2 आर टू स्लिप रिंग which are fixed on the ends of armature coil, which are fixed on the ends of armature coil, कर लोगे। अटे आपस में कनेक्टेड नहीं है कोई भी रिंग्स, इनके बीच से रोड पास की गई होती है, सॉरी कर लोगे। नेक्स्ट डालिए फोर्थ, क्या बच गया, ब्रशेज भी, फोर्थ पॉइंट अभी क्लास ब्रशेज भी, लिखिए B1 and B2 आर द कार्बन ब्रशेज, On which slip ring are sliding. ये फिक्स होती हैं क्लास, ऑन विच स्लिप रिंग आर स्लाइडिंग एंड दे प्रोवाइड कनेक्शन। अब डालिए वर्किंग भी, नेक्स्ट स्टेप पॉइंट है वर्किंग का भी, कंस्ट्रक्शन पूरी होगी भाई, वर्किंग करते हैं क्लास। देखो वर्किंग का मेन पॉइंट अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बनती कैसे है, अभी सीधी सी बात है फ्लक्स चेंज करने से बनती है,
यस सर नो। फिर मेन प्रॉब्लम क्या है उसका, डायरेक्शंस क्या है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स यूज करते हैं, यस सर नो। मैंने बोला था कि ये कॉपी आपकी क्वाइल अभी, और ये घूम रही है, कैसे घुमा रहा हूँ डायग्राम के अंदर उसको, ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे ना, ऐसे घुमा रहा हूँ। ये मेरे लिए ऊपर से देखूँ तो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, यानी इस कॉपी का ये वाला सेक्शन बाहर निकल रहा है अभी, और ये ऐसे जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप इसको इस पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स अप्लाई करते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैप निकालने के लिए, तो डायरेक्शंस क्या होगा अभी। रूल क्या बोलता है कि आपकी फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा अभी। दो मैग्नेट यूज किए गए हैं, डायरेक्शन आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ या साउथ, जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भाई। थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स भाई। इस केस में ये ऐसे हो रहा है अभी, ये वाला सेक्शन बाहर निकल रहा है और ये वाला सेक्शन अंदर जा रहा है, यस सर नो। अगर मैं इस ए बी सेक्शन पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ, ये मेरा उंगली होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, मेरी थंब होगा बार की तरफ, क्योंकि ये बार की तरफ जा रहा है, यस सर नो। तो इंड्यूस टेम्प कहाँ पे होगी, अपवर्ड पे, ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये सेक्शन अंदर जा रहा है, इसके लिए अप्लाई करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब मेरा अंदर जाएगा क्योंकि फोर्स अंदर लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, या करंट क्या होगी, नीचे होगी, यस और नो। अब देखिए यहां से करंट आ रहा है अभी, ये करंट किसके पास जाएगा, रिंग आर वन के पास भी, यस और नो। रिंग आर वन से बी वन के पास, बी वन से रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस से बी टू के पास, बी टू से रिंग आर टू के पास, आर टू से होता हुआ डायरेक्शन मैच होगी, यस और नो। लेकिन हमको अंदर से कुछ नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि अंदर सारा बॉक्स में पैक होता है सारा अरेंजमेंट्स, हमको तो बाहर से कट ले रहे होते हैं ब्रशेज से भी। ब्रशेज रेजिस्टेंस के लिए करंट कैसे आ रहा है, बी वन से बी टू की तरफ आ रहा है, बी वन से बी टू की तरफ, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब यह कॉपी क्या हुआ, कॉपी ने हाफ रोटेशन पूरा कर लिया अभी, ऐसे होगी, अभी भी घूम रही है, अभी रुकी नहीं है, ये ऐसे होगी क्लास, ठीक है, अभी भी घूम रही है। ये वाला सेक्शन क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, देखिए ऐसे घूम रही थी ना, ऐसी थी ये वाली हाफ रोटेशन में, ऐसे होगी अभी, ये अभी भी घूम रही है, ये वाला सेक्शन बाहर जा रहा है और ये वाला सेक्शन क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अगेन अप्लाई कीजिए, इस सेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग रूल्स, राइट हैंड रूल्स, ये बाहर निकल रहा है अभी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, थंब बाहर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अपवर्ड, ओके, और ये अंदर जा रहा है, ये वाला फोर्स अंदर तरफ, ये ऐसे भी कर लोगे, यहां से करंट आ रहा है भाई, किसके पास जाएगा, आर टू के पास, किसके पास जाएगा, आर टू के पास, आर टू से होता हुआ B2 के पास, B2 से होता हुआ रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस होता हुआ B1 के पास, B1 से रिंग के पास, रिंग से होता हुआ, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। रेजिस्टेंस के लिए करंट कहाँ से आया, B2 से B1 के पास, B2 से B1 के पास, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, यस और नो। इन हैवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्मिस डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, यस और नो। डायरेक्शन शो कीजिए साइड डायग्राम में, वर्किंग में लिखो, लिखिए लेट क्वाइल मूव या रोटेट, लेट क्वाइल रोटेट, ना भी पॉइंट में पैर बनेंगे अब तो, लेट क्वाइल रोटेट इन क्लॉक था कि एंटी क्लॉक था, एंटी क्लॉक, लेट क्वाइल रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके, देन अकॉर्डिंग टू, सो ऐसे लिखिए, देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस,
देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स भी। फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा क्लास? एरिया बदल रहा है अभी फ्लक्स में। इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। अब एक एक पॉइंट नहीं लिखवाएंगे, सिंपल लिखिए भी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए, कैसे हो रही क्वाइल में? डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लिखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्वाइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्वाइल फ्रॉम बी टू ए एंड डी टू सी भी, बी टू ए एंड डी टू सी। बताना नहीं है कैसे लगाया, कर लोगे? कैसे डायरेक्शन हो रही है? बी से ए जा रहा करंट और डी से ए, कर लोगे भाई? एंड वी ऑब्टेंड करंट थ्रो रेजिस्टेंस, वी ऑब्टेंड करंट थ्रो रेजिस्टेंस फ्रॉम बी वन टू बी टू भी, वी ऑब्टेंड करंट थ्रो रेजिस्टेंस फ्रॉम बी वन टू बी टू। समझ में आई बात है? कुछ है लिखने के लिए? कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब नेक्स्ट पैरा लिखिए, नेक्स्ट पैरा में लिखिए आफ्टर हाफ रोटेशन भी, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, करंट इज फ्लोइंग, सॉरी ये समझ लिखो, करंट इज प्रोड्यूस इन द क्वाइल, करंट इज प्रोड्यूस इन द क्वाइल फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी एंड फ्रॉम ए टू बी, सी टू डी एंड फ्रॉम ए टू बी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड वी ऑब्टेंड करंट फ्रॉम बी टू टू बी वन, बी टू टू बी वन, वी ऑब्टेंड करंट फ्रॉम बी टू टू बी वन आउटसाइड द जनरेटर भी, आउटसाइड द जनरेटर, कर लोगे? समझ में आ रहा है? आगे लिखिए करंट चेंज इट्स डायरेक्शन, हाँ जी, करंट चेंज इट्स डायरेक्शन इन एवरी हाफ रोटेशन भी, करंट चेंज इट्स डायरेक्शन इन एवरी हाफ रोटेशन, सो इट इज एसी भी, सही है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा भी, क्लास बार बार घूमेगा ना, ऐसा नहीं कि एक चक्कर मार के हम छोड़ दोगे, तुम लोग घुमाते रहना पड़ेगा लगातार इसको भी, अगर आपको करंट लगातार लेना है तो। ओके लिखिए, लेट ए गैप एरिया ऑफ क्वाइल भी, ए क्या है? एरिया ऑफ क्वाइल। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, क्या वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड, ओके या सर ना? और एन क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया इन वन क्वाइल, वन टर्न्स, यस सर नो? टर्न तो एन मार रखे हैं भाई, तो हर एक में फ्लक्स चेंज होगा, यस सर नो? तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा भाई? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू, एक का होगा बी डॉट ए वी, यस सर नो? और गुणा में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी, यस सर नो? और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इसको एक इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं, देखिएगा, एन बी ए कॉस थीटा भी, यस सर नो? एन बी ए कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम क्लास? अब देखिए हमें एंगल थीटा दे रखा है भाई, हमने बोल रखा है हमको घुमा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भाई, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी भाई?
इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इट टच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यस सर ना. साफ हो रहे हो गए. थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है. अभी अगर साफ हो रहे हो तो उनकी फिफ्थ यूनिट चल रही है उसके. आज मैं डाल रहा हूँ वीडियो पढ़ रही है उसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की भी. वहाँ पता जाएगा कि थीटा क्या है अभी. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको भी. और ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा भाई? ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? एन बी ए कॉस ओमेगा टी. वैसे मैं बाद में करना चाहता हूँ, कोई नहीं अभी कर लेते हैं. एन बी ए कॉस ओमेगा टी. फाइव फ्लक्स ये हो गया अभी, इन टर्म ऑफ ओमेगा टी, इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज भी. मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है अभी. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, याद है, डी फाइव बाई डी टी. अब माइनस यूज करते हैं. मैंने आपको बोला था माइनस सर भी बताने के लिए कि इस तरह से बनती है कि अपनी प्रोडक्शन का पॉज करती है. यस सर ना. कर लोगे? आपने देखा होगा ना जनरेटर, देखे हैं? जनरेटर चलते ही इंजन पे लोड पड़ता है. यस सर ना. आप जितना जनरेटर से करंट खींच रहे होते हो उतना लोड उस पर पड़ता है. किसके ऊपर? जनरेटर के ऊपर. देखा होगा, यानी जो इंजन लगा रखा आप लोगों ने. मतलब क्या है, उसकी मूवमेंट को कोई रोक भी रहा भाई, और वो इंजन क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है कि घूम भाई तू. वो कौन रोक रहा है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी जो बन रही है इसके अंदर भी. रूल वही है अभी. कर लोगे? तो ई का वैल्यू कितना होगा? ई इज इक्वल टू, इसको कैपिटल ले लूँ भाई, इसमें कैपिटल यूज करें यूनिट में हम लोग, है ना. तो डी बाई डी टी क्या आएगा? एन बी ए कोस ओमेगा टी वी. यस और नो क्लास? एन बी ए कोस ओमेगा टी. तुमको दिख रहा है भाई? एन बी ए कोस ओमेगा टी. रब कर दें इसको भी. माइनस तो लो माइनस, फिर माइनस को माइनस करना पड़ेगा. हमको पता आंसर चाह रही है. ठीक है, छोड़ दिया, हमने ले लेते हैं माइनस भाई, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस में आता है फार्मूला, तो मेरी मर्जी छोड़ रहा हूँ उसको आंसर के अकॉर्डिंग. कर लोगे? कोस का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉन्स्टेंट को बाहर निकालने, माइनस एन बी ए किसका आएगा? साइन ओमेगा टी माइनस का इंटू ओमेगा भाई. अरे सही है कि नहीं है? यही होगा. तो इज इक्वल टू, बातें नहीं करनी क्लास, बातें हो रही हैं. एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. एनी प्रॉब्लम भाई? मेरे को ई को मैक्सिमम करना है. कैसे पॉसिबल है? ये सारे फिक्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, घुमाने का तरीका फिक्स है भाई, बस गया एंगल भाई. यस सर नो? ई इज मैक्सिमम भी कितना होता है? ई नॉट. यस सर नो. ई मैक्सिमम क्या होता है? ई नॉट. कब होगा? जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा. यानी कितना? वन बाई साइन का वैल्यू वन होता है मैक्सिमम भी. यस सर नो. अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कैसे लिखा जाएगा क्लास टॉपिक? ये कितना होगा? ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा. ये वन हो गया. यानी सीधी सी बात है, ये किसकी वैल्यू है भाई? ई नॉट की वैल्यू. समझ में आया कि नहीं आया? मैथ में बहुत बार करते हैं इस तरह के टॉपिक्स. हम मैथ में भी डायरेक्ट लिखता था उसको. आप बोलोगे कैसे ले आए? ऐसे ले आए भी. कर लोगे? तो क्या लिखा जाएगा ई को भी? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वी. प्रूव हो गया भी. किसका फॉर्मूला था? एसी वोल्टेज का भी या ईएमएफ का भी. यस और नो? देखो ये कुछ नहीं करना. आई इज इक्वल टू ई वाई आर. बार अपने आर जोड़ रखे हैं. वी वाई आर है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी. तो कितना भाई? आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी. मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट भाई. यस सर नो. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. टॉपिक कंप्लीट भाई.
कुछ अलग है, वही टॉपिक घुमा फिरा के भी पॉइंट लिखवाऊंगा आपको मैं। टू फेज जनरेटर भी, टू फेज जनरेटर, टू फेज में क्या ऑब्जर्व किया गया अभी देखो। जो आप ये क्वाइल था अभी क्लास, देखो ये क्वाइल अभी ऐसा यही था ना, ये क्वाइल है क्यों होता कि इसको ऐसे घुमाना तो है ही। इसमें एक क्वाइल और जोड़ लेता हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसा क्रॉस बना के भी समझ में आया कि नहीं आया। मैंने ऐसे क्वाइल लगा ली फोटो फ्रेम जो आपस में फंसी हुई है 90 डिग्री के ऊपर, उन पे ऊपर वाले पेट रखे हैं हम लोगों ने ऐसे हैं अभी। ये अरेंजमेंट है क्लास देखने में कर लोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इस क्वाइल के दो स्लिप रिंग हैं, दो ब्रशेज हैं अभी, दो उसके भी होंगे, दो रिंग दो स्लिप, तो कितने रिंग हो गए, चार रिंग, कितने ब्रशेज हो गए, चार। जब ये जीरो पे था अभी लाइन पास नहीं हुई, उसमें से मैक्स लाइन पास कर रही थी, यस सर नो, फिर ये ऐसे घूम गया उसमें जीरो लाइन पास कर रही है, यानी जो इनमें जो जो करंट प्रोड्यूस करेंगे उनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा अभी, कितना डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। एक जीरो पे मैक्सिम, एक जीरो पे क्या है जीरो का कर लोगे। तो जो डायग्राम बनेगा इसका, जो करंट बनेगा अभी, क्योंकि दो ब्रशेज इसकी लगा रखी हैं, दो उसकी, कुछ तो करंट आएगा उनमें, डायग्राम बनाया जाएगा। एक का तो ये करंट आ गया ठीक है, दूसरा शुरुआत कहाँ से करेगा अभी, मैक्सिम से बताओ। मैंने आपको ग्राफ देना हो ना, मैं ये नीचे वाला एंगल लिए थे सारे नीचे, ये जीरो डिग्री पे था, ये 90 पे था, ये 180 पे, ये 270 पे, 360 पे, नीचे वाले मैंने एंगल लिए थे भी। तो शुरुआत कहाँ से करेगा सेकंड वाला भी, 90 से करेगा अभी, यस सर नो। ये जब ऐसे था ना, ये जब घूम के ऐसे होएगा ना, मैक्सिम होएगा एक, उस टाइम मिनिमम होगा जब शुरू होगा वहाँ से, रुका हुआ करंट फ्लो नहीं करेगा भाई। क्या बोलोगे, रुका हुआ लाइन पास कर रही है, करंट फ्लो कर जाएगा, फ्लक चेंज नहीं हो रहा भाई, यस सर नो। घूमेगा तो फ्लक चेंज होगा ना, अब घूम रहा है और 90 से किस पे जा रहा है, 270 पे जा रहा है, यस सर नो। तब जाकर उसमें मैक्सिमम करंट पास करेगा, शुरू होगा, यस सर नो। तो सेकंड करंट कहाँ शुरू होगा क्लास, यहाँ से भी, ऐसे करंट बनेगा, यस सर नो। इन दोनों के अंदर कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है हमारे घरों में डिवाइसेस के ऊपर, आप फेज फर्स्ट फेज में लगाओ सेकंड फेज में लगाओ कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिर्फ वोल्टेज का फर्क पड़ता है, वो काम कुछ का है, ट्रांसफार्मर का इसका काम नहीं है, वो कर लोगे, यस सर नो। डिवाइस एग्जैक्टली वर्क करते हैं, मैं बोलता कि फेज डिफरेंस का करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समझ में आया कि स्टार्टिंग में बोलती हुई कि ओमेगा टी प्लस माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कर पाओगे। इन टू फेज जनरेटर वी फिक्स, वी हैव लिखिए, वी हैव टू आर्मेचर क्वाइल, वी हैव टू आर्मेचर क्वाइल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। इट हैव, आगे लिखिए, इट हैव फोर स्लिप रिंग, इट हैव फोर स्लिप रिंग एंड फोर कार्बन ब्रशेज भी। ये मैंने टॉपिक इसलिए करवाया क्लास, MCQs का पॉइंट है, सर पूछ ले टू फेज जनरेटर में कितना स्लिप रिंग होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कि क्या होते हैं, ये बताओ मल्टीफेज क्या होते हैं, ऐसा कुछ कोई नहीं पूछेगा आपसे भी, कर लोगे। ये सिर्फ MCQs के पॉइंट हैं कि एक टू फेज जनरेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं बताइए, आपको सुना नहीं होगा ये बात तो उसको आंसर नहीं सकते आप उसमें, तो चार होते हैं इसके लिए कर लोगे। और चार क्या होते हैं, कार्बन ब्रशेज भी। तो ये एक पॉइंट और लिखिए, देर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, देर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द करंट्स भी, देर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द करंट्स, समझ में आया कि नहीं आया अभी। नेक्स्ट अभी क्लास थ्री फेज जनरेटर भी, थ्री फेज में ऑब्वियस अभी तीन क्वाइल यूज करेंगे, देख लीजिए एक बार क्लास, थ्री फेज जनरेटर में तीन आर्मेचर कॉइल होंगी,
ऐसे लगाई हो तीनों आपस में, बताओ किस एंगल पे लगाए जाएंगे, कर लोगे। दूसरी बात भाई, तीन कॉइल के लिए कितने रिंग्स होंगी? छह रिंग होंगी। कितने ब्रशेज होंगे? छह ब्रशेज होंगे। यस और नो? कैसे लगाएंगे कॉइल को? देखो एक कॉइल ये लगा दी, एक ऐसे, एक ऐसे, 360 को छह हिस्सों में बांट दो तो हर एक हिस्से में कितना एंगल आएगा? 60 डिग्री का आएगा। यस और नो? छह हो गए, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 360 डिवाइड करो कितने में? छह हिस्सों में, भी पहले चार में किया था तो अरे कितना? 90 डिग्री कर लोगे। तो हमने आर्मेचर कॉइल लगानी है एट 60 डिग्री टू ईच अदर, भी 60 डिग्री टू ईच अदर। देख लीजिए, वी हैव थ्री आर्मेचर कॉइल, वी हैव थ्री आर्मेचर कॉइल विच आर प्लेस्ड, which are placed at 60 degree, which are placed at 60 degree to each other, 60 degree to each other, okay, having six slip ring and six और क्या था, कार्बन ब्रशेज भी, सिक्स कार्बन ब्रशेज भी, ओके। करंट बनाओ भाई, करंट कैसे बनाएगा देखो। फर्स्ट ने कहिए करंट बना लिया, मान लेते हैं करंट बन गया फर्स्ट का भी, ओके। सेकंड कॉइल कितने कहां से शुरू करेगी करंट अपना? 60 डिग्री पे। देखो ये 90 डिग्री यहां पे हो गया, अभी तो यहीं पे कहीं पे होगा। यस सर ना? तो ये शुरुआत करेगी यहीं से, कहीं से, यहां से मान ले सेकंड वाले भी, एग्जैक्टली बनाते हैं भाई 90 डिग्री यहां पे ना, तो कितना आएगा 60 के बाद? कर लो ऐसे ही कर लो, कौन है किक पॉइंट देखे हुए, हो गया। और थर्ड वाली 120 पे शुरू करेगी, 0 60 120 120 कहां पे होगा? इस तरफ होगा 90 के, ये करंट फर्स्ट है भाई, ये सेकेंड करंट, ये थर्ड करंट, फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री का। समझ में आई कि नहीं आई? ये होगा सेकंड क्वेश्चन, लिखिए अभी लिखो। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ए क्वाइल ऑफ 1000 टर्न्स ईच ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ईच ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ऑफ 100 आरपीएम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 × 10⁻²⁷ टेस्ला, ओके सही है। फाइंड द पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अभी बात नहीं आएगा ये आरएमएस में डालने में, फाइंड पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल। कुछ नहीं है, क्या क्या दे रखा है क्लास? नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कितने भाई? 1000s में। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपको एरिया लग रहा है कुछ ज्यादा एरिया हो गया? यस सर नो? आपके मन में ये आता है कि ये एरिया भाई? देखो क्वाइल ये फ्रेम है क्लास, क्या आप ऐसी फ्रेम वायर नहीं बना सकते भी? ऐसे वायर लगा रखे मैंने भी, ये ट्रंस ये है क्लास, ऐसे
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे भी हो सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर के बहुत ज़्यादा होता भाई, इतना बड़ा टर्न कैसे बनाओगे? यस सर नो, अब ये वाला है, ऐसे कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इनको वायर से ऐसे फ्रेम बना रखी है आप लोगों ने, कर लोगे? तो एरिया कितना भाई दोनों क्लासेस में? दोनों नहीं सर, 12 बॉयज, आप जिस चीज के लिए तुम मड़े हो गए नहीं नो है भाई, यही था। कितना, एक चीज और दे रखी है भाई, कितना एरिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो देखिए अभी जो चीज दे रखी है उनको देख लीजिए एक बार, ये आरपीएम है अभी, क्या होता है आरपीएम? रोटेशंस पर मिनट है अभी, हम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो पर सेकंड में चाहिए होती है अभी, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ। यस सर ना, यस सर ना, तो फ्रीक्वेंसी कितना अभी बता दो? 100 है ना, 100 ही होगा, 100/60 भी कितना होगा? 5/6 लिख रखा अभी, आरपीएस भी, आरपीएस हो गया तो 3/5/3 भी सही है, कर लोगे? दूसरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए भी, 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में, सही लिखा है? yes, sir. मीटर का मीटर इंटू मीटर, 10⁻²⁻²⁻⁴ निकाल लो भाई, इंड्यूस टिंप निकालनी है, फार्मूला क्या बनता है? इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही था ना, साइन ओमेगा टी, ओके सही है। yes, sir. अब अच्छा है, पॉइंट ने ये डर रखा है कि पी की पूछ लिया साथ में हमको भी, पी की पूछ रखा है। यस सर ना, तुम डायरेक्ट पी की निकाल लें क्या? कटो इसको, वन करो, वन नहीं था ये, ई नोट की वैल्यू थी। यस सर ना, इट इज वैल्यू ऑफ ई नोट। ओमेगा क्या होता है? 2πμ, सब कुछ गिवन ना भाई, एन कितना है? 1000, बी कितना है? 3.6×10⁻², ए कितना है? 100×10⁻⁴ इंटू 2 इंटू पाई कितना है? 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना भाई? 5/3, यस सर ना, तो इसका ई नोट का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू, इतना कौन सॉल्व करे ना, 3.77 वोल्ट भी, 3.77 वोल्ट सही है कि नहीं है? और आरएमएस निकाल लो, प्रॉब्लम क्या रहेगी? ई वी इज इक्वल टू ई नोट वाई अंडर रूट टू, हमने तो वही हैं, कर लोगे? अरे बता दो, तो इसका आंसर आएगा 2.67 वोल्ट भी।